भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल पहले जो रेल सेवा बंद हो गई थी, उसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। 17 दिसंबर को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। ये रेल सेवा वेस्ट बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलहट्टी के बीच शुरू होने जा रही है। साल 1965 में भारत और तब के पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद कूच बिहार के हल्दीबाड़ी और उत्तरी बांग्लादेश के चिलहट्टी के बीच रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के प्रवक्ता सुभान चंदा ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 17 दिसंबर को हल्दीबाड़ी चिलहट्टी रेल मार्ग का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि चिलहट्टी से हल्दीबाड़ी तक एक मालगाड़ी चलाई जाएगी जो एनआरएफ के कटिहार डिवीजन के अधीन है। बाद में हालात को देखते हुए इस रूट पर सवारी गाड़ियां भी शुरू की जाएंगी। कटिहार मंडल की तरफ से कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अधिकारियों को रेल मार्ग दोबारा शुरू करने की जानकारी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन की दूरी तकरीबन 4.5 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश के चिलहट्टी की दूरी 7.5 किलोमीटर के आसपास है। पैसेंजर ट्रेन शुरू होने के बाद कूच बिहार के जरिए इस रूट को जलपाईगुड़ी से जोड़ा जाएगा और फिर इस रूट को कोलकाता तक बढ़ा दिया जाएगा। हल्दीबाड़ी और चिलहट्टी दोनों स्टेशन सिलीगुड़ी और कोलकाता के बीच पुराने ब्रॉड गेज रेलवे मार्ग पर थे, जो बांग्लादेश में कई इलाकों से होकर गुजरते थे। भारत बांग्लादेश के बीच इस रूट पर पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू होने से कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाने वाले लोगों को सिर्फ 7 घंटे का समय लगेगा, जबकि इससे पहले 12 घंटे का समय लगा करता था, यानी इससे 5 घंटे की बचत होगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी के मालीगांव में है, जो पूर्वोत्तर के पूरे इलाके और साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता है। खबर है कि दोनों देश 2021 में सिलीगुड़ी और ढाका के बीच पैसेंजर ट्रेन चलाने की योजना भी बना रहे हैं। ऐसा हुआ तो भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ये दूसरी पैसेंजर ट्रेन सेवा होगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच कोलकाता से खुलना डाक के बीच सिर्फ मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन ही चलती है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।